आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू और कश्मीर की जानिब से आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और इस वक्त हम निर्वाचन भवन जम्मू में मौजूद हैं, जहां पर अभी भी कुछ लोग जो है वो अंदर से जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलकर बाहर आ रहे हैं। क्या कुछ इन्होंने अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल की, जिस तरह से 25 लाख नए वोटर्स को शामिल करने की बात थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आज आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और आल पार्टी मीटिंग में तमाम तर सियासी पार्टियों ने हिस्सा लिया। क्या कुछ इन्होंने ऑब्जेक्शंस रखी, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और इलेक्शन कब तक अनाउंस होंगे, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। जितनी भी सियासी पार्टियां अंदर इस आल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने गई हुई थी, उन तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज जो है ये आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और क्या कुछ ऑब्जेक्शंस इनकी जानिब से रखी गई। हमने ये कहा कि वी कौन टारगेट अगर बाहर के लोगों को यहाँ पे वोटर बनाया जाएगा, बस कोई इलेक्शन के बाद में डेटें उन्होंने बताई कि कब से, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से नए वोटर नहीं बने, इसलिए ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वोटर बनाने की। फाइनल लिस्ट या उसको पब्लिश करेंगे, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। खुद उन्होंने माना कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, कोई बाहर के लोगों को नहीं, लोकल से यहाँ के होंगे जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र होगी। बाकी लेकिन हमने सभी आल पार्टीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि हमें नोट किया जाए मिनट्स में भी कौन टारगेट की बाहर के लोगों को उनमें ऐड किया जाए। बढ़ेंगे क्योंकि पिछले 4 साल से वोटर लिस्ट की रिविजन नहीं हुई है। अब 4 साल पहले जो बच्चा 15 साल का था वो अब 19 साल का हो गया, उसका वोटिंग राइट है, तो वो ऐड होंगे। तो अब बट ऑब्वियस कि वोटर लिस्ट में नए वोटर्स की एडिशन होगी, ये उनका तात्पर्य है। राज्यों के मजदूर है, काम कर्मचारी है या दूसरे लोगों को ऐड, सर देखिए जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रेड विद एक्ट ऑफ 1950 ऑफ इंडिया एक्सटेंड हो गया G&K को, उसके मुताबिक जो जो एलिजिबल है जिसमें लिखा है गाइडलाइंस में ऑर्डिनरली रिजाइडिंग, जो ऑर्डिनरली अपनी इनकम अपना काम करने के लिए J&K में रह रहा है, जैसे मैं अगर या मेरा बच्चा हिमाचल में रह रहा है पिछले 4 साल से 3 साल से या 2 साल से, अगर उसका राइट है वहाँ में हिमाचल में वोट डालना या J&K में, ये ऑप्शन उसने चूज करनी है, वही कानून J&K को अप्लाई होगा। देखिए ये चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, इसमें ना हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी जब भी इलेक्शन अनाउंस होगी हम हमेशा ही तैयार हैं। देखिए मैंने आपके आने से पहले भी कहा कोई 22 लाख वोटर नहीं है, सिर्फ ये है कि 2018 के बाद 4 साल के बाद रिविजन होने जा रही है इलेक्टोरल रोल में, तो 4 साल पहले जो बच्चा 14 साल का था वो अब 18 साल का हो गया है, उनकी एडिशन होगी और उसके अलावा कुछ और एलिजिबल वोटर्स की उसमें एडिशन होगी, ये कहने का तात्पर्य था अथॉरिटीज का। देखिए मुझे आम आदमी पार्टी, मुझे PDP, मुझे NC, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कानून से लेना देना है। J&K रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 370 एब्रोगेट होने से पहले J&K को अप्लाई कर रहा था वो रिपील हो चुका है, अब इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अप्लाई करता है, उसके जो प्रावधान होंगे वो J&K UT को अप्लाई होंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि 25 लाख वोट जो है वो हम शामिल करने जा रहे हैं और वो बाहर के लोग होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी के लोग होंगे, जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो होंगे, जो काम यहाँ करता होगा वो होंगे। हमने उसी वक्त रेज किए ये क्वेश्चन और हमने इनसे क्लैरिफिकेशन पूछी। आज जब हमने ये सवाल उठाए तो उन्होंने पहले ही कहा साहब ये 25 लाख का आंकड़ा मैंने कहा नहीं, ये शायद मीडिया की बनी हुई बात है, तो ये मीडिया जाने हम उस पर कोई नहीं है। लेकिन बाहरी राज्यों की जो बात थी, बाहरी राज्यों के जो लोग मैं वही आ रहा, जहाँ तक उन्होंने कहा था बाहरी राज्य के लोग भी ऐसे नहीं बन जाएंगे, ये तो बाकायदा 6 नंबर जो भी कानून है उसके मुताबिक अगर कोई फाइल करे नॉमिनेशन ये रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो बाकायदा BLO देखेगा, चेक करेगा उसका रेजिडेंस कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है और पीछे से वो उसका जो वोट है वो कटा हुआ होना चाहिए, तभी जहाँ उसका वोट बन सकता है, अदरवाइज भी बन सकता। ये उन्होंने कहा तो फिर हमने यही सिक्योरिटी फोर्सेज के बारे में हमने सवाल रेज किया कि साहब सिक्योरिटी फोर्सेज के वोट यहाँ कैसे बन सकते हैं, जम्मू कश्मीर का अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेज का है जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है बनाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि महाराष्ट्र का कोई फौजी यहाँ अपना वोट बनाए
यहाँ तो ये डिस्टर्ब एरिया है, वो बोर्ड कास्ट कर नहीं पाएगा। अगर जो बोर्ड भी कास्ट कर पाएगा वो बनाएगा क्यों और आप बनाएंगे क्यों उसका? बिल्कुल, हमने ऑब्जेक्शन रखे कि जो ये बाहरी 25 लाख वोटर को ला के यहाँ के लोकल्स की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करी जा रही है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ जम्मू के अंदर जो लोकल डोगरा है, लोकल गुजर है, लोकल पहाड़ी है, लोकल कश्मीरी है, चाहे वो लद्दाख का लद्दाखी है, करगल का करगली है, कोई भी है, लोकल के सिवा हम किसी भी सिटीज़न का वोट जो है एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करते। यहाँ के लोकल लोगों को ही हक है कि यहाँ की सरकार जो है वो चुनी जाए, और हमने कड़े शब्दों के अंदर इस चीज़ की मजम्मत की है। अब ये देखना है कि ये कहाँ तक इन बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद में हमने एक और मशवरा दिया इनको, एक और एज एन सजेशन दी कि अगर आपका जो BLO है वो जिस वक्त अगर वोट बनाने के लिए जाता है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक लोकल वर्कर जो है, लोकल लीडर जो है वहाँ का, वो उसके साथ होना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये लोकल वोटर है कि नहीं है। साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से आल पार्टी मीटिंग के बाद सियासी पार्टियों के लीडरान जो है वो बाहर आ रहे हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि 25 लाख जो नए वोटरों की बात की जा रही थी उस पर भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हीं लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिन्होंने 18 की उम्र जो है वो क्रॉस की है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि बाकी भी हमारे जितने मुद्दे थे और उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, और इलेक्शन के बारे में भी बात हुई, इलेक्शन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया कि कब तक जो है इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।